नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। ओमिक्रॉन के दशक के बाद भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे से बचाव के लिए देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। टीकाकरण में आज से एक और एज ग्रुप शामिल हो गया है। आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया। 15 से 18 साल के बच्चों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह तक करीब 8 लाख लोग कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बता दें कि देश में 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। इसमें से करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% बच्चों का ही हुआ है। 9वीं और 10वीं में 3.85 करोड़ बच्चे हैं, जबकि 11वीं और 12वीं में 2.6 करोड़ के करीब बच्चे हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के घालमेल से बचने के लिए 15 से 18 साल के लिए अलग टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 15 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जाएगा। दूसरी तरफ बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 159 सेंटर्स पर बच्चों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। इन सेंटर्स की लिस्ट दिल्ली सरकार ने रविवार को जारी कर दी थी। दिल्ली के सभी 11 जिलों में ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसमें सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को सोमवार से कोविड 19 रोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। सबसे पहले स्कूली बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसी तरह गुजरात में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए एक हफ्ते का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य जोर 10वीं कक्षा के छात्रों का टीकाकरण करने पर है। ये बच्चे इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। गुजरात में टीकाकरण अभियान 3500 केंद्रों पर 3 से 9 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाएगा। असम में भी बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 7 दिनों के अंदर कोवैक्सीन की पहली खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य प्रशासन का लक्ष्य मध्य फरवरी तक सभी छात्रों का पूर्ण टीकाकरण करने का है। फरवरी के अंत से सालाना बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार इसे पूरा करना चाहती है। वहीं मुंबई में भी बच्चों के टीकाकरण के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा शुरू की गई है। इन केंद्रों में 15 से 18 साल के बच्चे अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।